हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ हैंडमेड वर्कशीट लेके आऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने बच्चे को ट्रेसिंग सिखाने में। और ये जो वर्कशीट है, मैंने 5-6 वर्कशीट तैयार की है आपके लिए, और ये बेसिक वर्कशीट है जिससे आप बच्चे को इजीली ट्रेस करना सिखा पाएंगी। और 5-6 वर्कशीट करवाने के बाद ही आप देख पाएंगी कि आपका बच्चा इजीली ट्रेस करना सीख जाएगा। और इस तरह की वर्कशीट अगर आपने बच्चे को बना के दी तो बच्चा आपका इंटरेस्ट भी लेगा और उसे बोर्ड भी नहीं होगा। मैंने डे बाय डे वर्कशीट को डिवाइड किया है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट डे के वर्कशीट को फर्स्ट डे में क्लियर नहीं कर पाता है, नहीं सीख पाता है, तो अगेन आप उसे उसी टाइप की थोड़ा सा डिफरेंट करके, वो आप थोड़ा अपना क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल सकती है, थोड़ा सा डिफरेंट करके सेम वही टॉपिक पे आप बच्चे को ट्रेस करने के लिए दूसरी वर्कशीट सेकेंड डे दे सकती है। और 5-6 दिन की वर्कशीट है, 5-6 दिन में ही बच्चा आपका इजिली ट्रेस करेगा क्योंकि उसका बेस क्लियर होगा तो वो इजिली कर लेगा। और वो आपके गाइडेंस के ऊपर है, आप उसे कितना किस तरह से गाइड कर पाती है, और आप और थोड़ा सा आपके बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी कैचिंग पावर कितनी है। कुछ बच्चे तो 1 से 2 दिन में ही ट्रेसिंग करना इजिली सीख जाते हैं और कई बच्चे 5-6 दिन भी लगा देते हैं ट्रेसिंग के बेस को सीखने में। तो टेंशन मत लीजिएगा, वो आपका बच्चा आपकी गाइडेंस को कितना समझ पा रहा है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। 5 से 6 दिन के बाद आप बच्चे को वर्कशीट, ट्रेसिंग की वर्कशीट बुक भी लाके दे सकती हैं जो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी आप बुक स्टॉल पे जाएंगी, उनको बोलेंगे ट्रेसिंग बुक चाहिए तो वो आपको इजीली प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको वर्कशीट बताया था कि किस तरह से बच्चे को आपको ट्रेसिंग सिखाना है, तो वो मैंने लिया हुआ है। इसमें केवल बच्चे को आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि आप ट्रेसिंग कैसे करवाएंगी। आपको बच्चे को आइडेंटिफाई करवाना है कि डॉट को डॉट से मिलाना है, फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, सेकंड डॉट टू थर्ड डॉट। तो बस यही सेम प्रोसेस लेते हुए आपको नेक्स्ट वर्कशीट भी करवानी है, तो इसे मैं साइड रखती हूँ। तो फर्स्ट डे जो आप वर्कशीट देंगी तो आप ये ट्रेसिंग वर्कशीट इस तरह की बना के दे सकती हैं, और सेकंड डे जब आप वर्कशीट देंगी बच्चे को तो उसमें आपको ट्रेसिंग के साथ साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाना है लाइन के बारे में। देखिए, लाइन बच्चे को कुछ भी करवाने से पहले उनको लाइन के बारे में पता होना चाहिए। जब भी बच्चा रिटन वर्क स्टार्ट करेगा, अल्फाबेट सीखेगा या काउंटिंग सीखेगा, तो वो सारा सभी चीजें आपको पता है कि लाइन पे ही बेस्ड होती हैं। तो उनको पहले ट्रेसिंग सिखाने के साथ साथ उनको लाइन से भी इंट्रोड्यूस करवाते जाइए। ये बहुत ईजी तरीका है और ये बच्चा बहुत ही ईजिली सीख भी जाता है। तो सेकेंड डे आप बच्चे को इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, मैंने जो वर्कशीट बनाई है वो स्टैंडिंग लाइन टॉपिक पे लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ट्रेसिंग करना है वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप बच्चे को समझाएंगी कि बेटा ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन है। आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन क्या है। अपने हैंड के मूवमेंट से, पेंसिल के मूवमेंट से, आप पेंसिल के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं बेटा ये पेंसिल जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है और इसी पोजीशन में ये लाइन है, तो इसलिए ये स्टैंडिंग लाइन है। और सेकंड एग्जांपल आप उसे दे सकते हैं कि बेटा जब हम खड़े होते हैं, आप उसे खड़े होके आप बता सकते हैं कि बेटा हम खड़े हैं तो हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये जो ट्रेसिंग हमने करनी है, ये स्टैंडिंग लाइन है। अगर हम इसे ट्रेस करते हुए मैच कर देंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगा। तो बच्चे को आप उसको टॉपिक क्लियर करते जाइए स्टैंडिंग लाइन का। सेकेंड डे आप उसे टॉपिक के साथ ट्रेसिंग करवाएंगे स्टैंडिंग लाइन का। तो आपको बस सेम वही प्रोसेस यूज करना है, आपको बच्चे को वही तरीका अपनाना है, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट। तो बस इसी तरह से आप बच्चे को ये स्टैंडिंग लाइन की ट्रेसिंग वर्कशीट कंप्लीट करवाएंगे। और ध्यान रखें, बच्चे को आप एक दिन में एक ही वर्कशीट दें करने के लिए ताकि वो उस टॉपिक को क्लियर कर पाए इजिली और वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बच्चा ट्रेसिंग करने में भी बर्डन फील ना करे। क्योंकि आप अगर उसे बहुत सारी वर्कशीट एक दिन में करवाना शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसे बर्डन सा फील होने लग जाएगा और वो आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा।
तो प्लीज आप कोशिश करिए कि बच्चे को एक दिन में केवल एक ही वर्कशीट आपको बच्चे को करवानी है। जो आपने टॉपिक लिया है स्टैंडिंग लाइन का, उस दिन पूरे दिन आप बच्चे को किसी किसी टाइम बीच बीच में खेल खेल में ही उसे याद दिलाते रहना है कि आपने बेटा आज स्टैंडिंग लाइन की ट्रेसिंग की थी। इससे क्या होगा, बच्चे का टॉपिक भी क्लियर होगा कि स्टैंडिंग लाइन का, वो समझ पाएगा कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है और वो ट्रेसिंग भी इजिली सीख पाएगा। तो इसी तरह से आप बच्चे को फर्स्ट डे ट्रेसिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद ट्रेसिंग के साथ आप स्टैंडिंग लाइन का टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं अब ये से साइड रखती हूँ। सेकंड डे स्टैंडिंग लाइन वर्कशीट करने के बाद हम थर्ड डे बच्चे को ट्रेसिंग के साथ टॉपिक क्लियर करेंगे स्लिपिंग लाइन का। तो आप सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया कि उसको कुछ एग्जांपल देके बच्चे को आप सिखाएंगे कि स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग पोजीशन क्या होती है। तो बच्चे को इजीली हम बच्चे को बता सकते हैं कि जब हम बेटा सोते हैं नाइट में तो हम स्लिपिंग पोजीशन में होते हैं। आप पेंसिल के थ्रू बता सकती हैं कि बेटा ये स्टैंडिंग पोजीशन है और जब ये सो जाता है, स्लिप करता है, तो ये स्लिपिंग पोजीशन है। तो इस तरह से आप बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं। तो ये लाइन भी आप देख पा रहे होंगे कि स्लिपिंग पोजीशन में मैंने बनाई है। तो अब थर्ड डे आप बच्चे को बस सेम वही प्रोसेस आपको सेम वही फॉलो करना है। आप उसे वो थोड़ा सा गाइड देखो आपको करना ही पड़ेगा, बिना विदाउट गाइड आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो सेम प्रोसेस से वही फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, सेकंड डॉट टू थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, सेकंड डॉट टू थर्ड डॉट। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाते जाना है बच्चों का स्लिपिंग लाइन का। और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे समझाना जरूर है, बेटा ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई है, जो आपने बैट को बॉल से मैच किया है, ये स्लिपिंग लाइन है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये वर्कशीट है मैंने बहुत ही कलरफुल बनाई है और आपका बच्चा बहुत ही खुश होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा इस तरह की वर्कशीट आप बच्चे को ट्रेसिंग वर्कशीट बनाकर अगर आप देती हैं। तो आप देख पा रही होंगी इस वर्कशीट में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है जिसे आपस में मैच करना है। तो बच्चे को आप सिखाएंगे भी साथ साथ, इस वर्कशीट में बच्चा ट्रेसिंग करने के साथ आपका स्लीपिंग लाइन के टॉपिक को भी क्लियर करेगा और वो थर्ड चीज क्या सीखेगा, ऑब्जेक्ट्स को मैच करना। तो बहुत इजी होता है बच्चों को सिखाना, थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। आप बच्चे को धीरे धीरे उसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखा पाएंगी। तो आप देख पा रही होंगी, तो मैंने यहाँ पे बैट और यहाँ बॉल बनाया है। तो बच्चे को आपको समझाना है बेटा बॉल को बैट से मैच करना है। तो बस मैच करने के लिए आपको स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, डॉट्स को मैच करना पड़ेगा। तो बस इसी तरह से आप देख पा रही होंगी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और ये एक दूसरे से बिलोंग करती हैं। तो बस इसको मैच करना बच्चे को आपको सिखाना है और इस तरह की वर्कशीट से बच्चा आपका इंटरेस्ट भी लेगा और इजीली सीख भी पाएगा। तो थर्ड डे आपको टॉपिक रखना है स्लिपिंग लाइन का। चलिए इस वर्कशीट को हम साइड करते हैं। अब स्लीपिंग लाइन के बाद, अब स्लीपिंग लाइन जब बच्चे का क्लियर हो जाता है उसके बाद हम बच्चे को टॉपिक देंगे स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन की टॉपिक को समझाने के लिए आप बच्चे को एग्जांपल दे सकती हैं, आप सीढ़ी का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ी है, चाहे वो लकड़ी की हो चाहे वो सीमेंटेड हो, प्रैक्टिकली जाके उसको सीढ़ी के पास उसे बता सकती हैं, समझा सकती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से गाइड करके समझा पाएंगे। तो ये स्लैंटिंग लाइन है। अब जब आप लाइन उसको ड्रॉ करवाएंगी तो यहां से भी वो इजिली समझ पाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक आइसक्रीम बनाया है और उसके जो उसका जो कोण है उसमें मैंने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए डॉट्स दिए हुए हैं। इस वर्कशीट से बच्चा आपका ट्रेसिंग के साथ साथ स्लैंटिंग लाइन से भी इंट्रोड्यूस इजिली हो जाएगा। आपका गाइडेंस बहुत जरूरी है, आप बच्चे को गाइड करती जाएंगी फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, सेकंड डॉट टू थर्ड डॉट करते हुए, इस तरह से प्रोसेस करते हुए बच्चे को गाइड करेंगी और बच्चा इजिली आपका ट्रेस करता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चा क्रिएट करेगा बट डोंट वरी, धीरे धीरे वो परफेक्शन उसके अपने आप ही परफेक्शन होता जाएगा। तो ये आपकी स्लैंटिंग लाइन की ट्रेसिंग वर्कशीट हो गई। चलिए इसको हम साइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट डे आप अपने बच्चे को करवाएंगी, नेक्स्ट डे हम
बच्चे को कर्व लाइन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप देख पा रही होंगी कि मैंने एक बटरफ्लाई टाइप पिक्चर बनाया हुआ है। इसे देखकर भी आपका बच्चा बहुत खुश होगा और इंटरेस्ट लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कलरफुल चीजें देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ सीखने में भी वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो आप यहाँ देख रही होंगी कि मैंने ये पिक्चर बनाया है और इस पिक्चर के अंदर ही मैंने कर्व शेप डॉट ड्रॉ किया हुआ है। तो बस आपको बच्चे को बैठ के, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको बैठ के बच्चे को गाइड करते जाना है और बच्चे को बताना है कि बेटा इस ट्रेसिंग को आपको कवर करना है। बस सेम वही प्रोसेस है, फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, सेकंड डॉट टू थर्ड डॉट। धीरे धीरे बच्चा आपका इसको ड्रॉ करेगा और क्या इस वर्कशीट में थोड़ा सा आपको बच्चे को डीपली गाइड करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पिक्चर है। बट हाँ, ये है कि अगर आपका बच्चा इस पिक्चर को कंप्लीट कर लेता है तो वो कर्व लाइन को बहुत इजीली समझ पाएगा। तो आप देख पा रही होंगी यहाँ पे राइट लेफ्ट कर्व बना हुआ है, इधर से आपका राइट कर्व बना हुआ है, अप कर्व। तो तीनों टॉपिक आपके यहाँ पे कर्व के क्लियर होते दिख रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस द डॉटेड लाइंस एंड कलर। तो आप बच्चे को पहले से बता देंगे कि बच्चा बेटा आपको पहले इस लाइन को ड्रॉ करो, इनके जो फीडर्स है वो कम्प्लीट हो जाएंगे और इसके बाद आपको इसके अंदर कलर करना है। तो वो आप बिठा के बच्चे को गाइड करके इसे कंप्लीट करवा सकती हैं। नेक्स्ट जो वर्कशीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा इजी लाइंस की वर्कशीट को कंप्लीट कर लेता है तो आप उसे शेप से रिलेटेड कुछ एनिमल से, कुछ बर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकती हैं और उसका बेस डॉट होगा और वो डॉट को मैच करेगा, वहां ट्रेसिंग वो इजिली सीख पाएगा। और डिफरेंट तरीके की जो वर्कशीट आप करवाएंगी बच्चों के, उससे क्या होगा, बच्चों के जो हाथ की मूवमेंट है वो बिल्कुल फ्री होगी, वो कहीं भी अपने हाथ को मूव कर पाएगा। और आप, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आप जितना बच्चे को करवाएंगी उतना ही उसका परफेक्शन उस चीज में होता जाएगा। तो बच्चे को इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्कशीट बना के दे सकती हैं। तो मैंने लास्ट वर्कशीट आपके लिए बनाई है, ट्रेस द शेप्स एंड कलर एज यू लाइक। बच्चे को समझाना है कि बेटा इसको ट्रेस करना है लाइन को और इसको ये एक शेप बनेगा और इसके बाद इसमें कलर करना है जैसा भी आपको पसंद हो, वो आप अपने बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए, के इंटरेस्ट के ऊपर है वो कैसा कलर इसमें फिल करना चाहता है। बट हाँ, ट्रेसिंग करने के टाइम में उसे गाइड आपको जरूर करना है, आपको यहाँ से अप से डाउन स्टार्ट करवाना है बेटा। और प्रोसेस वही सेम होगा, रिपीट करता है बच्चा आपका तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतनी वर्कशीट करने के बाद बच्चा अगर नहीं भी रिपीट करता तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। तो प्रोसेस आपका वही सेम रहेगा, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट। डॉट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस में मेंटेन इस वर्कशीट में आप कर सकते हैं, आप जैसे कि देख रहे होंगे थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस इसका बढ़ा दिया है ताकि बच्चा इजिली उसको ट्रेस कर पाए। तो बस इसी तरह से आपको वर्कशीट को कंप्लीट करवाना है और इस वर्कशीट में बच्चा आपका ट्रेसिंग के साथ साथ शेप्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा और यहाँ भी आप उसको डिफरेंट एग्जांपल देके अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर बच्चे को इजीली उसे शेप्स के बारे में बता सकती हैं। तो आप बता सकती हैं बेटा ये ट्रायंगल शेप है और ये सर्कल शेप है एंड ये रेक्टेंगल शेप है। बस इस वर्कशीट में आप बच्चे को ट्रेस करना सिखाएंगी और थोड़ा सा शेप से इंट्रोड्यूस करवा देंगी। इसी तरह से आप सर्कल का भी वर्कशीट, थोड़ा सा टिपिकल बच्चे के लिए होता है बट उसे धीरे धीरे गाइड करते जाइए, फर्स्ट डॉट टू सेकंड डॉट, बस वो धीरे धीरे करता जाएगा। इतनी वर्कशीट करने के बाद तो उसके अंदर इतना परफेक्शन आ जाएगा कि वो अपने आप ही ट्रेस कर देगा, बस आपको गाइड करना है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड तो वो अपने आप ही कर लेगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यही वो वर्कशीट है। हाँ, अगर ये पांच वर्कशीट आपने बच्चे को कंटिन्यू करवा दिया तो यकीन मानिए आपका बच्चा इजिली
ट्रेसिंग करना सीख जाएगा और फिर उसे आप कितना भी टिपिकल ट्रेस करने के लिए देंगी, चाहे वो एनिमल्स पिक्चर से रिलेटेड हो, बर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्फाबेट से हो, काउंटिंग से, कुछ भी आप उसे ट्रेस करने देंगी, बस उसको थोड़ा थोड़ा गाइड करती जाएंगी, वो इजिली ट्रेस कर लेगा। ये बस बेसिक ट्रेसिंग करवाना बच्चे को बहुत जरूरी होता है। इसमें आपका बच्चा डे बाय डे भी, अगर बच्चा आपका अगर आपके बच्चे की कैचिंग पावर अच्छी है तो फर्स्ट डे सेकंड डे जिस तरह से मैंने बताया है वो एक ही दिन में बच्चा क्लियर करता जाएगा। अदरवाइज अगर बच्चा आपका थोड़ा सा नहीं सीख पाता है तो एक वर्कशीट का टॉपिक लेके आप उसे डेली एक से दो दिन भी एक टॉपिक को ले सकते हैं। वीडियो की लास्ट में इन वर्कशीट की पिक्चर्स मैं आपको दे दूंगी, आप उसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकती हैं, ठीक है ना। और सेम पिक्चर्स और सेम वर्कशीट इसी तरह की बना के दें, आप देखेंगे कि बहुत इजीली आपका बच्चा उसे सीख लेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं मेरी आप तक टाइम से पहुंचे। और कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। और चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।